दिल्ली की सीमा पर डटे किसान सड़क पर गुजरी रात, आज तय होगी आगे की रणनीति। दिल्ली की सीमा पर पहुंचे किसानों को मिली बुराड़ी तक जाने की इजाजत, लेकिन कुछ संगठनों ने इनकार किया। बुराड़ी में संत निरंकारी ग्राउंड पर किए जा रहे हैं किसानों के लिए इंतजाम, जायजा लेने के लिए पहुंची अधिकारियों की टीम। लगातार कोहराम के बाद नर्म पड़े हरियाणा सरकार के सुर, खोल दी गई पंजाब से सटी सीमाएं। बैरिकेटिंग हटाने के बाद हरियाणा में लोगों को मिली राहत, दिन भर सड़कों पर परेशान होते रहे लोग। आज प्रधानमंत्री मोदी का मैराथन दौरा, पुणे हैदराबाद गुजरात जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, कोरोना वैक्सीन की तैयारियों का लेंगे जायजा। सबसे पहले अहमदाबाद जाएंगे प्रधानमंत्री, यहां जायडस बायोटेक पार्क में बन रही है वैक्सीन। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का दौरा भी करेंगे प्रधानमंत्री, यहां पर ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन कोविशील्ड रेस में सबसे आगे। 30 नवंबर को संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, देव दीपावली में शामिल होंगे प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री मोदी के लिए वाराणसी में सुरक्षा के तगड़े इंतजाम, सीएम योगी ने किया लिया तैयारियों का जायजा। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 5400 से ज्यादा नए मामले, 5,51,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। देश में पिछले 24 घंटे में 43,000 से ज्यादा नए केस, 93,09,000 के पार पहुंची तादाद। देश में पिछले 24 घंटे में करीब 500 लोगों की मौत, 1,35,000 से ज्यादा की जा चुकी है जान। देश में पिछले 24 घंटे में 33,000 से ज्यादा की रिकवरी, 87,18,000 से ज्यादा की हो चुकी है रिकवरी। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 6,400 से ज्यादा नए मामले, 18,00,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। जम्मू कश्मीर में आज जिला विकास परिषद यानी कि डीडीसी चुनाव का पहला चरण, आज 43 सीटों पर होना है मतदान। 43 में से 25 सीटें हैं घाटी में, जम्मू रीजन में 18 सीटों पर मतदान, खाली पड़ी पंचायत सीटों पर भी उपचुनाव। आज 7,00,000 वोटर्स करेंगे अपने मताधिकार का इस्तेमाल, सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक है वोटिंग। जम्मू कश्मीर के एक केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद पहली बार हो रहा है डीडीसी चुनाव, सुरक्षा के भी तगड़े इंतजाम। डीडीसी चुनाव से पहले महबूबा ने लगाया हिरासत में लिए जाने का आरोप, चुनाव आयोग ने खारिज किया। हैदराबाद में सियासी सरगर्मी तेज, निकाय चुनाव के लिए आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे प्रचार। आज दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक योगी का रोड शो, अलका थिएटर ग्राउंड में जनसभा भी। रविवार को गृहमंत्री अमित शाह जाएंगे हैदराबाद, सिकंदराबाद में रोड शो, भाग्यलक्ष्मी मंदिर में करेंगे पूजा। निकाय चुनाव में प्रचार के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कल किया था रोड शो, 1 दिसंबर को है मतदान। हैदराबाद नगर निगम चुनाव प्रचार के दौरान हादसा, टूट गया एआईएम नेता का मंच।